क्या आप भी भूतों पे विश्वास रखते हो और भूतों को देखना चाहते हो अपनी आंखों से और भूतों को मारना चाहते हो? ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो बल्कि जो आज का वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे 5 हॉरर गेम्स लेके आया हूं। रात के अंधेरे पे तो मत ही खेलना, ये मेरा एक डिस्क्लेमर रहेगा। तो गेम्स खेलने के लिए आपके पास कोई भी एक हाई सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। 2 GB रैम चाहे तो 1 GB रैम और 512 MB ग्राफिक कार्ड होना चाहिए और डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, इतना होना चाहिए भैया। ये गेम खेलने के लिए आप रेडी हो, आप आराम से खेल सकते हो। दूसरी बात कि इन 5 गेम्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट उससे पहले गेम का लिस्ट को देख लो एंड उसके बाद जो पसंद आए गेम को इंस्टॉल कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है लेफ्ट फॉर डेड टू। एक आपका ओपन वर्ल्ड सर्वाइवर हॉरर फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है, जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया वेल्व के द्वारा। रिलीज किया गया था नवंबर 17, 2009 को। बेसिकली ये गेम आपकी सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। इसे अपने पीसी प्लेटफॉर्म Xbox 360, Mac OS एंड लिनक्स में काफी आसानी तरीका से खेल सकते हो। मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर भी आता है, मल्टीप्लेयर भी आता है। भैया गेम की बात करें तो भैया गेम काफ़ी ओपी गेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप एक हॉरर सर्वाइवर गेम खेलना चाहते हैं साथ साथ जो वो ओपन वर्ल्ड हो, तो भैया लेफ्ट फॉर डेड 2 सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। तो बेसिकली इस गेम में आपको सर्वाइव करना रहता है, इन्फेक्ट हो जाता है यहाँ के लोगों पे, वो वायरस टोटली बुरी तरीके से सर्कुलेट हो जाता है एंड वो एक तरह से अजीब सी क्रिएचर्स में तब्दील हो जाते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ से जॉम्बी बोल सकते हैं, मतलब वो जॉम्बी में पूरे तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग बच जाते हैं, वो फंस जाते हैं वहाँ से, उन्हें वो स्केप करना रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप एक अलग अलग सिटी में ट्रैवल करोगे एंड साथ साथ यहाँ पर जो आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा वो पूरा ओपन वर्ल्ड देखने को मिल जाता है। तो वेल गाइस, इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो काफ़ी ओपी है, आपको ज़रूर से इस गेम को ट्राई करना चाहिए अगर आप एक काफ़ी खतरनाक हॉरर जॉम्बी गेम खेलना चाहते हैं अपने लो एंड या पीसी या लैपटॉप पे। तो वेल गाइस, इस गेम के जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 128 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 13 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भैया सुपरमैन जैसे मेरे वेबसाइट पे जाएं और इस गेम को इंस्टॉल कर लें। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। ऑलराइट, तो वेल गाइस, जो मेरा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है स्टेट ऑफ डीके। एंड दोस्तों स्टेट ऑफ डीके आपका एक एक्शन एडवेंचर सर्वाइवर हॉरर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, जिसे डेवलप किया गया है अनडेड लैब के द्वारा एंड पब्लिश किया गया माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो के द्वारा। एंड दोस्तों इस गेम को रिलीज किया था जून 2013 को। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से उपलब्ध है। आप इसे Xbox 360, Microsoft Windows एंड अपने Xbox One प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से खेल सकते हो। गेम की मोड की बात करें, आप सिर्फ सिंगल प्लेयर ही खेल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो इस गेम का जो मिशन है दोस्तों वो काफ़ी एडवेंचरस है। गेम की बात करें तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक ब्लैक फीवर नाम का एक कोई वायरस आ जाता है, जिस किसी को भी वो ब्लैक फीवर होता है तो भैया वो एक म्यूटेड टाइप का बंदा बन जाता है, मतलब एक जॉम्बी टाइप का बन जाता है, ठीक है। एंड वो जब दूसरे को मारते हैं तो भैया और वो जॉम्बी बन जाते हैं। तो इस तरह से पूरा जो सिटी रहता है वो पूरा जॉम्बी से पूरा कन्वर्ट हो जाता है एंड एक दूसरे को मारा पीटी चालू हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मच्छी पकड़ने जाते हैं एंड जैसे ही वो अपने सिटी में वापस लौटते तो देखते हैं कि भैया यहाँ पर तो सब तो मारपीट हो रहा है, सब तो जॉम्बी में तब्दील हो गए। तो जैसे तैसे वो मतलब वहाँ से अपने आप को बचते बचाते वो एक सेफ घर पे जाते हैं। तो वहाँ पर और भी कुछ लोग पलायन करके बैठे रहते हैं एंड वो बताते हैं कि ऐसा ब्लैक फीवर नाम का एक वायरस यहाँ पर इन्फेक्टेड हो गया है, हमें बचना है। तो यहाँ से वो लोग सारे ज़ॉम्बी को मारते रहते हैं एंड अपने जो भी मिशंस उनको दिए जाते हैं उन्हें वो कंप्लीट करते हैं। स्टोरी लाइन है वो काफ़ी ओपी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो भैया काफ़ी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो भैया इस गेम का जो एनवायरनमेंट है, मतलब जब आप गेम खेलोगे तो भैया यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू का आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मेरे 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 4 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भैया लिंक है वेबसाइट पे, जाके सुपरमैन जैसे आप मेरे वेबसाइट पे जाएं इस गेम को इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। मेरा
थर्ड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है डेड स्पेस। डेड स्पेस आपसे एडवेंचर हॉरर सर्वाइवर वीडियो गेम है, जिसे डेवलप रेडवुड के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा, एंड इस गेम को रिलीज किया गया अक्टूबर 20, 2008 को। गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम आपका सिंगल प्लेयर यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, एंड ये आपकी पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीका से उपलब्ध है। इस गेम की बात करें तो यहां पर आपको थर्ड पर्सन व्यूइंग एंगल देखने को मिल जाता है। गेम के दौरान आपको काफी सारे फिजिक्स बेस्ड पजल्स को सॉल्व करने रहते हैं, एंड यहाँ पर आपको काफी सारे क्रिएचर्स को भी मारना रहता है, यहाँ पर आपको मॉन्स्टर भी देखने को मिल जाते हैं। डेड स्पेस गेम का जो हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि हमारी जो अर्थ रहती है फ्यूचर में, हमारे अर्थ के जितने भी रिसोर्सेस है वो सभी खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे जो मेन कैरेक्टर्स रहते हैं गेम के, जो मेन कैरेक्टर रहते हैं वो एक न्यू प्लैनेट को खोजने जाते हैं। इसमें सर्वाइव करना भी इजी नहीं था, तो यार काफी डिफिकल्टी होती थी। जो भी बचे कुचे लोग थे वो सभी डिसाइड करते कि अपन एक नया प्लैनेट डिस्कवर करेंगे, खोजेंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेसशिप वो बनाते हैं यूसीजी यूनिवर्स। तो बेसिकली स्पेसशिप से ये लोग जो भी अदर प्लैनेट से रिसोर्सेस को लाते थे, अर्थ का रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता था। मेन कैरेक्टर रहता है वो स्पेसशिप का इंजीनियर रहता है, एंड उसे हायर किया जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। तो इसी दौरान इस गेम में आपको पूरा स्पेस एनवायरनमेंट का पूरा एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। काफी ओपी ग्राफिक्स यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। जरूर से इस गेम को ट्राई करना अगर आप एक स्पेस हॉरर गेम खेलना चाहते हैं, तो भैया ये गेम सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। तो बल्कि इस गेम की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहां पर रिवील कर देना चाहता हूं। रैम की बात करें तो भैया मात्र 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 मिनट है, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 8GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपने पीसी लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। फोर्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है रेसिडेंस एविल 5। एंड दोस्तों रेसिडेंस एविल 5 आपका थर्ड पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड हॉरर वीडियो गेम है। डेवलप एंड पब्लिश किया गया कैपकॉम के द्वारा। 5th मार्च 2009 को इस गेम को रिलीज किया गया था। मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर भी आता है, मल्टीप्लेयर भी आता है। की बात करें तो भैया गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। आप इसे प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स 360, माइक्रोसॉफ्ट इनफैक्ट अपने प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स 1 में आराम से खेल सकती हो। गेम की स्टोरी लाइन की बात करें तो भैया गेम का स्टोरी स्टार्ट होता है, इनका मेन कैरेक्टर रहता है क्रिस। उसे अफ्रीका भेजा जाता है BSA के द्वारा, जहां पर BSA को इन्फॉर्म किया जाता है कि वहां पर ऑर्गेनिक वेपन का वहां पर एक स्मगलिंग होने वाला है। कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्रिस अफ्रीका के किजुमस के सिटी पे जाता है, जहां पर अल्मोरा BSA के अफ्रीका ब्रांच में काम करती है। क्रिस टाउन में विजिट करता है तो क्रिस ये देखता है कि भैया जो टाउन के आधा से अधिक लोग टाइप 2 प्लागा से इन्फेक्टेड है। टाइप 2 प्लागा एक तरह का वायरस है। यहीं से अब स्टोरी स्टार्ट होता है। अब यहाँ से क्रिस एंड क्रिस की जो पार्टनर रहती है, यहाँ पर वो लोग एक मीट शॉप पे जाते हैं, जहाँ पर वो अपना वेपन ओपन लेते हैं। कैरेक्टर रहता है क्रिस और उसकी जो पार्टनर रहती है, यहाँ पर वो सभी म्यूटेट लोगों को यहाँ पर वो मारते हैं, एंड जैसे जैसे उसे मिशन दिया जाता है वो मिशंस को कंप्लीट करते हैं। एंड बल्कि जब आप गेम खेलोगे तो जो आपको एनवायरमेंट देखने को मिलेगा वो यहाँ पर टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी ओपी है, आपको जरूर से इस गेम को एक बार ट्राई करना चाहिए। एंड मिल गई रेसिडेंट एविल 5 की जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहां पर मैं रिवील कर देना चाहता हूं। रैम की बात करें तो भैया 3GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 512 मिनट है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल कोर ड्यूओ में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 16GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे इस गेम को रन करने के लिए। और अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भैया सुपरमैन जैसे आप मेरे वेबसाइट पे जाओ और इस गेम को इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड 5th गेम के ऊपर। 5th एंड लास्ट गेम निकल के आता है, जिसका नाम है Outlast 1। एंड वेल गाइस Outlast 1 फर्स्ट पर्सन सर्वाइवर हॉरर वीडियो गेम है, जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया रेड बेल्ट्स के द्वारा। इनको रिलीज किया गया था सितंबर 4, 2013 को। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीका से उपलब्ध है, विंडोज प्लेटफॉर्म, प्लेस्टेशन 4, इनफैक्ट एक्सबॉक्स 1 एंड अपने लिनक्स OS। की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। गेम की बात करें तो भैया गेम काफी हॉरर यहाँ पर आपको सिचुएशन देखने को मिल जाता है। तो भैया अगर आप एक कमजोर दिल वाले हैं तो भैया ये गेम आपके लिए नहीं है। मैं फिर बता दूं,
काफी हॉरर गेम है एंड काफी डेंजरस गेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। स्टार्ट होता है माउंट मैसिव असाइलम में, जहां पर दिखाने को तो एक मेंटल हॉस्पिटल रहता है बट अंदर में काफी भयंकर टाइप का यहाँ पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट चलते रहता है। मतलब यार कसम से इंसान लोग को मतलब अलग अलग टाइप का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो बेसिकली होता है कि जो माउंट असाइलम का जो एक वर्कर रहता है उससे ये चीज बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये क्या करता है, एक जर्नलिस्ट को ईमेल करता है। तो भैया ये उस जो माउंट असाइलम के मैनेजर रहते हैं उनको पता चल जाता, तो भैया उनको उसको वो पकड़ के जो एम्प्लॉय रहता है उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है। तो बट अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जर्नलिस्ट को यार वो मेल तो मिल जाता है, मतलब वो सेंड कर देता है। अब वो जर्नलिस्ट यहाँ पर आता है एंड इसको पूरा एक्सप्लोर करता है अच्छा से। तो भैया यहाँ से जो आपका मेन स्टोरी स्टार्ट होता है, अब जर्नलिस्ट क्या करता है कि अब वो अंदर तो चले जाता है, असाइलम के अंदर जाता है, तो भैया वहाँ पर एक जो उसके जो गार्ड्स रहते हैं लटका दिया गया है। तो वो बोलते हैं कि भैया जो भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो लोग आज़ाद हो चुके हैं, जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ के उन सबको मार दिया गया है, तो भैया आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। अब क्या है कि भैया जो जर्नलिस्ट रहता है वो तो यहाँ पर फंस जाता है। अब यहाँ से आपका जो मेन स्टोरी स्टार्ट होता है, अब यहाँ से आपको उस असाइलम से यहाँ से निकलना रहता है। तो काफ़ी यार एंड बहुत ही मस्त यार हॉरर गेम है। अगर आप एक काफ़ी तगड़ा हॉरर गेम खेलना चाहते हैं अपने 11 पीसी लैपटॉप पे, तो भैया आउटलास्ट 1 आपके लिए बना। आउटलास्ट 2 भी है बट उसका थोड़ा सिस्टम रिक्वायरमेंट हैवी है। तो यही बेसिकली एंड इसका ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी ओपी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। दोस्तों रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 512 MB नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 7 GB के आसपास स्पेस है लेकिन अपने पीछे लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। एंड दोस्तों अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भाई सुपरमैन जैसे आप मेरे वेबसाइट पर जाएं और इन पांचों में से कोई भी एक गेम को इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस बस यही कुछ 5 हॉरर गेम थे आपके लो एंड पीसी या लैपटॉप पे। आई होप दोस्तों कि इन 5ों में से एक गेम आपको जरूर पसंद आया होगा एंड अगर आपने इनमें से कोई गेम नहीं खेला तो भाई जरूर से एक बार ट्राई करना, काफी ओपी गेम्स हैं आपके लो एंड पीसी या लैपटॉप पे काफी आसानी तरीके से चल जाएंगे। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो भैया नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अपन जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर देंगे। तो वेल गाइस आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों की वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ शेयर करो जो भाई थोड़े फियर फाइल्स वाले गेम्स खेलना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।